हाथ दिखाइए, रेडी है? ओके। ब्रह्मांड की रचना के बाद ब्रह्मा ने संसार के परम शक्ति स्रोत महादेव के दर्शन के लिए तपस्या की। महादेव प्रकट हुए और ब्रह्मा ने उनसे निवेदन किया कि वे इस संसार पर अपनी कृपा बरसाने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हों, जिसको महादेव ने स्वीकार कर लिया। इस सिद्धि के प्राप्त होने के बाद ब्रह्मा ने 33 सागर में स्थित एक टिकोने भूस्थल को पृथ्वी के उत्तरी हिस्से की तरफ खिसकाना शुरू किया और इस टकराव की ऊर्जा से महासागर लुप्त हो गया। धरती आकाश की तरफ बढ़ने लगी और वो बढ़ते बढ़ते संसार की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में परिवर्तित हो गई। इस पर्वत पर महादेव मनुष्य रूप में नीचे उतरे, जहां उन्होंने सप्त ऋषियों को योग शास्त्र का ज्ञान दिया। वो टिकोना भूस्थल भारत वर्ष कहलाया। इस दौरान एक धूमकेतु पृथ्वी की दिशा में बढ़ता हुआ चला रहा था, परंतु महादेव ने उस धूमकेतु को अपनी तरफ खींच के उसे शिवलिंग में परिवर्तित करके अपने प्राणों से प्रतिष्ठित किया। महादेव की प्राण प्रतिष्ठा इस परम शक्ति स्रोत की स्थापना के साथ भारतवर्ष विश्व का सबसे बलशाली और समृद्ध क्षेत्र बन गया। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन सम्राट साइरस, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मंगोलियन सम्राट जेंगिस खान, मोहम्मद घोरी समेत कई आक्रांताओं ने इस भूमि पर धावा बोलकर लूटपाट की। इन सब का एक ही लक्ष्य था, वो परम शक्ति स्रोत प्राणलिंग। पर इन सबको करारी शिकस्त हाथ लगी, क्योंकि लिंग के पास हमेशा उसके रक्षक थे। एक सेना, एक परंपरा, जिसने लिंग की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने का प्रण लिया था। विश्वनाथ परंपरा।